हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टे डॉट कॉम एंड टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फाइव कॉमन मिस्टेक्स दैट द स्टूडेंट्स टू वेल्ड प्रिपेयरिंग फॉर आई बी पी एस आर आर बी जी बी ओ स्केल टू एन स्केल थ्री एग्जाम पाँच वो कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हो वाइल्ड डूइंग योर प्रपरेशन अवॉइडिंग सच मिस्टेक्स कैन हेल्प यू स्कॉर मच हायर मार्क्स आज कुछ एग्जैक्टली पढ़ाने नहीं वाले आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या मिस्टेक्स आप करते हो जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए राइट

यू हैव नॉट डन दैट एवर आपने कभी भी आर्मी के ऑफिशियल साइट पर सर्कुलर नहीं पढ़े हैं और आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो हो नहीं पाएगा तो नहीं पढ़ा जाएगा इट व टेक अ लॉर्ड ऑफ टाइम उतना बहुत ज़्यादा आप एफर्ट लगा लोगे उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा ठीक है और हो सकता है आपको उतना समझ में भी ना आए सो दो तरीके हैं इसको करने के पहला तरीका तो ये है कि फॉलो अ टीचर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको पहले एक बार आप देख लें मोस्ट प्रॉब्लि तीन चार पाँच टीचर जो करवाते हैं सारे अच्छा ही करवाते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप न्यूज़ वेबसाइट्स को एक बार ज़रूर रेफ़र करें फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस स्टैंडर्ड इकनॉमिक टाइम्स ये आर अगर कोई बड़ा आर बी आई सर्कुलर है उसका एनालिसिस इकनॉमिक टाइम्स बिज़नेस स्टैंडर्ड पे आ, या फिर मिंट पे हंड्रेड परसेंट होगा हंड्रेड परसेंट होगा ही होगा तो वो बहुत अच्छा एनालिसिस लिख के देते हैं ठीक है मतलब टीचर्स uh, भी काफ़ी उसको रेफ़र करते हैं मैं खुद बहुत रेफर करता हूँ बट uh, होता क्या है कि मैनी टाइम्स ये न्यूज़ वेबसाइट जो हैं दे अवॉइड टेकिंग अप डिफिकल्ट और यू नो विच आर नॉट वेरी कॉमन सर्कुलर्स उसको नहीं पिक करते दीज न्यूज़ वेबसाइट्स दे स्किप मेनी इम्पॉर्टेंट सर्कुलर्स तो वो आपको खुद को करना है ठीक है तो इन दैट केस यू नीड हेल्प ऑफ अ टीचर इफ़ यू आर अ बिगनर इफ़ यू आ वर्किंग प्रोफेशनल यू नीड अ हेल्प ऑफ अ टीचर अदरवाइज आप कह लीजिए फिफ्टी सिक्सटी परसेंट तो आप न्यूज वेबसाइट से कवर अप कर सकते हो बट एनी वेज यू नीड हेल्प ऑफ अ टीचर करंट अफेयर्स फ्राम बैंक पी यू वेबसाइट देर आर अ लॉट ऑफ गुड वेबसाइट्स लाइक अफेयर्स क्लाउड इज देयर जी के टूडे इज देयर

they are not meant for this particular exam see in this exam you are going to get questions from banking pure banking uh, pure banking in the sense uh, rbi ki guidelines right right rbi circulars uh, any news related to banks or the financial industry any merger any acquisition, any brand campaign any new product launched uh, appointment of a new ceo of a bank right uh, gdp forecast or any लेटेस्ट रिपोर्ट रिलेटेड टू बैंकिंग ये सारे टॉपिक पेपर में आते हैं जबकि ये करंट अफेयर वाली वेबसाइट में बहुत सारा एडिशनल डिटेल होता है बहुत सारा डेटा होता है विच में नॉट बी रेलिवेंट फॉर यू पॉइंट इज दैट कि हंड्रेड परसेंट में से आपका जो रेलिवेंट डेटा है दैट इज़ ओनली थर्टी फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट इज रेलीवेंट टू यू सो यू आर स्टार्टिंग दिस हंड्रेड और ओनली ट्वेंटी थर्टी इज रेलिवेंट टू यू आप इतना एक्सेस मटीरियल पढ़ रहे हैं

सिक्स मंथ्स का पढ़ेंगे फोर एटी पेजेस उतना मेमोराइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा एंड बैंकिंग का अगर डायरेक्टली पढ़ते हैं दैट वुड बी हार्डली ट्वेंटी पेजेस सो ट्वेंटी पेजेस मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मंथ्स सो वन ट्वेंटी पेजेस को मेमोराइज करना इज वेरी ईजी सो ईजी नहीं बोलूँगा और सी वट वी डू इज सिक्स मंथ्स का डाइजेस्ट तो है बट वी डू अ पावर कैप्सूल इन द पावर कैप्स्यूल देर विल भी हंड्रेड पेजेज ऑफ कॉन्टेंट जिसमें यू विल बी गेटिंग वेरियस द कॉन्टेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और ऑल द आर बी आई सर्कुलर ऑल दैट वुड बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड ऑल सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू मेमोराइज इट तो उस तरह से पढ़ें दैट विल बी मच बेटर इंस्टेड ऑफ़ द वेबाइट सच एज विजन आई एस आई मीन वेरी अमेजिंग वेबसाइट द विजन है दृष्टि है बहुत सारी अमेजिंग वेबसाइट्स है बट दस वेबसाइट्स आर नॉट मेंट फॉर यू आपके लिए नहीं बनी है नॉट स्टडिंग लॉज सो आई हैव सीन अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने नैगोशियबल इंस्ट्रोमेंट एक्ट कभी पढ़ा नहीं है दैट्स रियली बैड मे बी यूल बी फाइंडिंग थ्री फोर क्वेश्चन आउट ऑफ फोर्टी इन योर एग्जाम मे बी इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम रिलेटेड एग्जाम उसमें तो ज्यादा आ जाते हैं एन आई एक्ट है आपका आई बी सी है एंड इवन द कंपनीज एक्ट है कंपनीज एक्ट में से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं नैगोशियबल इंस्ट्रोमेंट इज इस वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज़ वेरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल दीज एक्ट्स आर एक्चुअली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी आते हैं इफ़ यू आर नाट रीडिंग एनी लॉ देन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं आपके ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखें नाट डूइंग एनी टेस्ट सीरीज़ मैन ट्रस्ट मी है ल लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हुआ मगिंग अप द कॉन्टेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन बट दे आर नॉट गोइंग थ्रू एनी टेस्ट सीरीज ट्रस्ट मी यू आर डूइंग अ ब्लंडा दिस इज अ ब्लडर अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं पढ़ रहे हो तो एक ब्लंडर ही है आप एग्ज़ाम में जा रहे हो और पहली बार एग्जाम में जाके ही आपने फुल एंड मॉक टेस्ट देखा है तो ट्रस्ट मी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे वाई ड यू थिंक विल भी एबल टू स्कोर 80 और 90 आउट ऑफ 200 हंड्रेड इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट पहले में आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते ये आपको भी पता है लाइफ में कोई भी काम आपने पहली बार किया था याद करें कि आपने अच्छा किया था वो नहीं अच्छा किया था आपने पहली बार आप गाड़ी चलाने गए थे तो कैसी चलाई थी आपने पहली बार बाइक चलाया था तो कैसे चलाया था तो एटलीस्ट फाइव टेस्ट आप करें देट विल बी ग्रेट इफ यू कैन टेन डू टेन टेस्ट टेन फुल करें ऑब्वियसली आपने सेक्शनल और चैप्टर वाइज टेस्ट तो देने हैं बट ट्राई टू डू फुल लेंथ टेस्ट ओके नॉट ज्वाइनिंग एनी कोर्स दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक सी स्टूडेंट्स आप आर बी सर्कुलर कहाँ से करोगे राइट right? uh, आप फाइनेंशियल अवेयरनेस कहाँ से करोगे कितना आप स्टडी मटीरियल ढूंढ सकते हो फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द स्टडी मटीरियल आप सिलेबस कितना ढूंढ लोगे एट द एंड ऑफ द डे यू विल बिकम अ रिसर्चर अब एक दिन दो दिन चार दिन छः दिन सात दिन दस दिन आप वेस्ट करोगे अपना स्टडी मटेरियल ढूंढने में देर इज एन ओशन ऑफ स्टडी मटेरियल आर की वेबसाइट इकोनॉमिक टाइम बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत सारी जीके की वेबसाइट्स हैं वो सारा आप इकट्ठा करोगे एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक कंबाइंड फॉर्म में कुछ नहीं है बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग नोट्स आप कोई नोट्स खुद से बना नहीं रहे हो दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू क्रैक एनी एग्जाम विदाउट ज्वाइनिंग एनीकॉज दिस इज ट्रस्ट मी इट इज डिफिकल्ट इट इज डूएबल आई वोट से कुछ कर नहीं सकता कोई डूएबल इफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स और आप बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हो इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम एंड यू नीड प्रसाइज स्टडी मटीरियल देन आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड जॉइन आई बी पी एस आर आर बी स्केल टू स्केल थ्री कॉज बाई टीम बैंक एग्जाम्स टू डे वी हैव डन इन डेप्थ रिसर्च फॉर यू वी आर मेकिंग इन डेप्थ वीडियो क्लासेज नोट क्विजेज We are making the proper power capsule of like 100 pages for you. We are working from last one year for you. There are proper live sessions and interview preparation guidance. And you can ask your doubts, doubts directly from me 9067201000. This is my personal WhatsApp number where you can ask your doubts from me. And I'm going to answer all your doubts. Trust me, all these students that took my course in the past and they cracked their respective exams. I'm really, really happy for them. लुकेद दम ये सारे स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्सेज लिए हैं पिछले सालों में एंड दे क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स द नंबर्स वोट लाए दाए सो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन दिस इज द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ एंड हाउ यू कैन डू दैट यू कैन डू दैट बाय ज्वाइनिंग अ सिस्टमैटिक प्लान एंड आई एम प्रोवाइडिंग दैट प्लान लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन आई होप यू लाइक दिस सेशन इफ देर इज एनी डाउट इन योर माइंड आस्क योर डाउट्स My job is to answer your doubts, and I'll answer your doubts on WhatsApp. My number is there. Please ask your doubts. And that's, I guess, all for today, students. Thank you, and have a very nice day. Bye bye.